आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे एक्टर की जिसे किसी फिल्म में बड़ा रोल हासिल करने में 12 साल लग गए, लेकिन कुछ ही सालों में उसने देश से लेकर विदेश तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। 9 भाई बहनों के बीच नवाज सबसे बड़े हैं। उनके पिता एक किसान हैं और वो बताते हैं कि नवाज पूरे साल पैसे जुटाता था और ईद या दीपावली के समय शहर जाकर मूवी देखता था। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलना चाहते थे। वजह थी कि वहां का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नवाज कहते हैं कि उनके गांव में बस लोग तीन ही चीज जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गन। माहौल अच्छा ना होने की वजह से वो हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो बड़ोदरा गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो किए जा रहे थे। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें गुजराती नाटक दिखाया। वह नाटक देखकर उन्हें मजा आ गया और उनके अंदर से फीलिंग आई कि शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं, पर आज तक समझ नहीं पा रहे थे। वो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने दिल्ली आ गए। वहां पर उन्होंने कुछ प्लेस देखे और एक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम NSD भी कहते हैं, वहां से उन्होंने एक्टिंग सीखी। 4 साल तक वे दिल्ली में रहे और छोटे मोटे रोल भी प्ले किए, लेकिन उससे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। सन 2000 में वह मुंबई इस आशा के साथ आ गए कि जल्द ही उन्हें टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा, जिससे उनका जीवन पटरी पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सीरियल्स में भी उन्हें काम नहीं मिले। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि हर जगह वह अपना फोटो देते रहे, लेकिन कोई भी रोल देने के लिए तैयार नहीं था। वहां भिखारी के लिए भी उन्हें 6 फीट का आदमी चाहिए होता था और मुझ जैसे छोटे कद के सांवले एक्टर को लेना कोई पसंद नहीं करता था। नवाज के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर से पनाह मांगी और उसने एक शर्त पे उन्हें अपने वहां रखा कि घर का पूरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। थोड़े पैसों के लिए उन्होंने वॉचमैन की जॉब कर ली और सुबह से शाम तक जॉब करते और शाम के बाद थिएटर करते थे। सीरियल में जॉब न मिलने के बाद नवाज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल खोजना शुरू किया। कैसे भी करके रोल मिला तो, लेकिन उनके शुरुआती दिन बहुत ही कठिन थे। उनका अभिनय पॉकेट मार और धक्का मार तक ही सीमित रह जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आशा लगाकर बैठे रहते कि कभी न कभी तो कोई बड़ी भूमिका उन्हें जरूर मिलेगी। एक समय ऐसा भी था कि उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे और उन्हें लगता था कि उन्हें गांव वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर वह सोचते कि आखिर क्या मुंह लेकर वह वहां वापस जाएं। एक बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनका एक हिंदी नाटक देखा और प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा बड़ा रोल दिया, जिसे नवाज ने बखूबी निभाया। बस वहीं से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। कुछ अच्छे और बड़े रोल मिलने की वजह से उनकी पैसों की समस्या तो काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे और अपना बेस्ट दे रहे थे। नवाज की जुनूनियत को देखते हुए अनुराग कश्यप ने उन्हें साइड स्टार से स्टार बनाने का सोच लिया और गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें लीड रोल दे दी। बस वहीं से नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद नवाज ने माझी द माउंटेन मैन में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। बजरंगी भाईजान में भी उनके सपोर्टिंग रोल को बहुत सराहा गया। उनकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण ना सिर्फ वह बड़े पर्दे पर छा गए, बल्कि बहुत सारे अवार्ड भी अपने नाम किया। नवाज अपने आप को स्टार नहीं एक्टर मानते हैं। उनका कहना है वह स्टार नहीं बनना चाहते, वह एक एक्टर बनकर रहना चाहते हैं,
क्योंकि स्टार बनने के बाद आपकी पहचान बन जाती है और आप आसानी से घूम फिर भी नहीं सकते। दोस्तों, नवाजुद्दीन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टार्स में होता है, फिर भी आज वो एक बड़े स्टार हैं। अगर आपको अपने सपने को पाना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल देर ही सही लेकिन देता जरूर है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।